पाकिस्तान न सिर्फ आतंकवादियों को पनाह देता है और पालता है बल्कि उनका इस्तेमाल भारत के खिलाफ भी करता है। अब उसने ड्रोन वाला प्लान तैयार किया है, लेकिन पाकिस्तान की नई स्ट्रैटेजी को काउंटर करने के लिए आज दिल्ली में क्या बड़ा फैसला हुआ, डिटेल रिपोर्ट देखिए। इंडिया की टॉप लीडरशिप इस वक्त ड्रोन वाला खतरा डिस्कस कर रही है। नॉर्थ ब्लॉक से साउथ ब्लॉक तक बड़ी बड़ी मीटिंग हो रही है। रक्षा मंत्री ने एयरफोर्स के कमांडर्स के साथ मीटिंग की, प्रधानमंत्री ने फॉरेन हाई लेवल मीटिंग बुला ली, भारत ने ड्रोन का मुद्दा संयुक्त राष्ट्र में भी उठा दिया। तकरीबन शाम में 4 बजे दिल्ली में पीएम निवास यानी कि 7 लोक कल्याण मार्ग पर एक उच्च स्तरीय बैठक हुई। इस बैठक में पीएम मोदी के साथ देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, देश के गृह मंत्री अमित शाह और इसके अलावा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल भी मौजूद थे। ये बैठक तकरीबन 2.25 घंटे तक चली, क्योंकि मामला देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। जाहिर तौर पर बैठक की चीज़ें बाहर नहीं आ सकती, लेकिन जिन परिस्थितियों में ये बैठक हुई समझा जा सकता है कि आगे की रणनीति क्या कुछ होने वाली है। अभी तक भारत में कन्वेंशनल वार यानी पारंपरिक युद्ध की तैयारी हो रही थी, लेकिन अब एक ड्रोन ने पूरा सीन पलट दिया है। एक छोटा सा खिलौना नुमा हथियार बड़ा चैलेंज बन गया है। सोचिए, जिस ड्रोन से पिज्जा डिलीवरी की जा सकती है उसे एक बम लॉन्च करने वाली मशीन में बदल दिया गया है। ये एक जेनरेशनल चेंज है हाइब्रिड कॉन्फ्लिक्ट के अंदर, सब कन्वेंशनल कॉन्फ्लिक्ट के अंदर टेक्नोलॉजी का एकदम से एक जेनरेशनल इस्तेमाल, मतलब हायर जेनरेशनल इस्तेमाल आपके सामने आ रहा है। क्या इसके काउंटर मेजर्स दुनिया में हैं कि ये आतंकवादी जो पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं उन्होंने दोनों इंसिडेंट कराया है? एक का तो पक्का यकीन है और दूसरे की ओर भी बहुत ज्यादा शक है। इस वक्त भारत के सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट में ड्रोन ड्रोन गूंज रहा है। कहने को ये ड्रोन एक क्वाड कॉप्टर है जिसके 4 कोनों पर हेलीकॉप्टर जैसे पंख होते हैं, लेकिन इस नए अनमैन्ड खतरे से निपटने के तरीके तलाशे जा रहे हैं। मुद्दा यह है कि ड्रोन एक अनमैन्ड आतंकवादी है और उससे लड़ने के लिए सेना की बड़ी फॉर्मेशन की नई जनरेशन के एयर डिफेंस सिस्टम की जरूरत नहीं है। इस वक्त खतरा पाकिस्तानी आतंकियों के ड्रोन से, और जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट है उसके मुताबिक पाकिस्तानी सेना इसमें पूरी मदद कर रही है। इंडिया टीवी को इस बात की भी जानकारी मिली है सिक्योरिटी फोर्सेस के द्वारा कि दरअसल पाकिस्तानी आर्मी की 505 यूएवी ब्रिगेड जो कि मंगला इलाके में है और उसके ब्रिगेड कमांडर ब्रिगेडियर इरफान है, ये पूरी रणनीति तैयार करने में उनकी एक अहम भूमिका हो सकती है, क्योंकि यूएवी ब्रिगेड दरअसल यहाँ पर चाइनीज ऑफिसर्स भी आकर इनको एक्सप्लोजिव की ट्रेनिंग और टेक्नोलॉजी की ट्रेनिंग कई बार दे चुके हैं। ये ड्रोन जितना छोटा हथियार है उससे निपटने के लिए उतने ही स्मार्ट तरीके की जरूरत है। अगले 10 मिनट में इस रिपोर्ट को गौर से देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि एक छोटा सा ड्रोन भी भारत के लिए कितना बड़ा खतरा है और उसके लिए एंटी ड्रोन वाली डोज कैसी होनी चाहिए। ड्रोन एक अनमैन्ड मशीन होती है, इसमें इंसान सवार नहीं होता, इसे एक रोबोट भी कह सकते हैं जिसे इंसान दूर बैठे गाइड कर सकता है। ड्रोन कई तरह के होते हैं। उड़ने वाले ड्रोन को यूएवी यानी अनमैन्ड एरियल व्हीकल कहते हैं। जमीन पर चलने वाले ड्रोन यूजीवी यानी अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल कहते हैं। रूस ने ऐसा ही ड्रोन व्हीकल यूरान बनाया है। ये ना सिर्फ आर्कटिक मोर्चे को महफूज रखने के लिए बनाया गया है बल्कि सीरिया में भी इसे टेस्ट किया जा चुका है। ऐसे ड्रोन का इस्तेमाल सीरिया में भी हुआ है। रूस इन्हें ISIS के खिलाफ ऑपरेशन में इस्तेमाल भी कर चुका है। इसमें बड़ी गन लगी होती है, इसमें एंटी टैंक मिसाइल भी होती है। अब देखिए, पानी पर चलने वाले बोट, इसे USV कहते हैं यानी अनमैन्ड सरफेस व्हीकल। इसराइल में ऐसे अनमैन्ड बोट्स खूब इस्तेमाल हो रही हैं, जो भूमध्य सागर में इजरायली समुद्री किनारों और उसके समुद्री इलाके की निगरानी करती हैं। ये ड्रोन बोट इजरायली सेना भी इस्तेमाल करती है। इनमें कटाना की रफ्तार 100 किलोमीटर प्रति घंटे है। वहां के कोस्ट गार्ड भी इससे लैस हैं। ये प्रोटेक्टर है जिसमें गन भी लगी हुई है। ये दोनों ड्रोन बोट दूर कमांड सेंटर से कंट्रोल होती है। चौथी तरह का ड्रोन है UUV यानी अनमैन्ड अंडरवाटर व्हीकल्स। ये ड्रोन पनडुब्बी की शक्ल में होते हैं जो पानी के नीचे रहकर ऑपरेट करते हैं। अब चीन ऐसे ड्रोन तेजी से तैयार कर रहा है। इसमें भारत के सामने सबसे बड़ा खतरा UAV यानी उड़ने वाले ड्रोन, जो दो तरह के होते हैं।
पहले होते हैं फिक्स्ड विंग वाले ड्रोन जो सैकड़ों हजारों किलोमीटर की दूरी और काफी ऊंचाई तक ऑपरेट करते हैं। दूसरे होते हैं क्वाडकॉप्टर जो हेलीकॉप्टर की तरह ऊपर उड़ते हैं। इनकी रेंज कम होती है, ये वजन भी कम उठा पाते हैं। जम्मू एयरफोर्स पर जो अटैक हुआ उसके पीछे क्वाडकॉप्टर बताया जा रहा है। ऐसे ड्रोन एक नहीं बल्कि 7-7 ड्रोन देखे गए हैं। इस ड्रोन का एरिया ऑफ ऑपरेशन देखिए। 2 दिन पहले जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन से हमला हुआ था। इस केस की जांच NIA कर रही है। उसके बाद जम्मू के कालूचक में 2 ड्रोन देखे थे। रविवार और सोमवार की आधी रात को कालूचक में आर्मी कैंप के पास 2 ड्रोन देखे गए थे। जब सुरक्षा बलों ने फायरिंग की तो ये वहां से तेजी से भाग निकले। अब एक बार फिर 3 ड्रोन देखे जाने का दावा लोकल लोगों ने किया है। ये 3 ड्रोन आधी रात 1 बजे से लेकर सुबह 4 बजे के बीच देखे गए। पहला ड्रोन देखने का दावा रत्नोचक में किया गया, दूसरा ड्रोन कालूचक में देखने का दावा किया गया है और तीसरा ड्रोन कुंजवानी इलाके में देखा जाने का दावा किया गया है। ऐसे ड्रोन कितना बड़ा खतरा है इसका अंदाजा जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर हुए अटैक से समझा जा सकता है। ड्रोन से गिराए गए बम से बड़ा नुकसान हो सकता है। अगर ये किसी विमान पर गिराए जाते, ऐसे अटैक में ज्यादा क्वाडकॉप्टर का इस्तेमाल किया जाए तो इससे भी बड़े पैमाने पर तबाही मचाई जा सकती है। जाहिर है भारत के खिलाफ पाकिस्तानी आतंकियों ने अपनी स्ट्रेटेजी को रिफाइन किया है। पाकिस्तान के आतंकवादी ड्रोन का इस्तेमाल सीख रहे हैं। इसकी इंटेलिजेंस भारत के पास सितंबर 2020 से थी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवल ने पिछले हफ्ते इस बारे में शंघाई सहयोग संगठन की एक मीटिंग में अलर्ट भी जारी किया था। उन्होंने बताया था कि आतंकवादी अब ड्रोन से लैस हो रहे हैं। मैं समझता हूं कि इसके ऊपर पहले से कार्रवाई करनी चाहिए थी, लेकिन अभी जो वार्निंग मिली है अच्छी है, उसके बाद में हमको कार्रवाई करनी चाहिए। और ये जो कार्रवाई है ना सिर्फ उसके डिफेंसिव मेजर देखने चाहिए, किस तरीके से उसको डिटेक्ट किया जाए और फिर किस तरीके से उसको न्यूट्रलाइज किया जाए, लेकिन इसके ऑफेंसिव पार्ट्स को भी देखना चाहिए। इससे पहले भारत ही नहीं दुनिया के लिए भी 3 ऐसे वॉर जोन रहे हैं जहां से ड्रोन वाली स्ट्रेटेजी को समझा जा सकता है। पहला है यमन, दूसरा है आर्मेनिया और अजरबैजान की जंग, और तीसरा जोन है फिलिस्तीन में गजा और इजराइल का बॉर्डर। अभी तजुर्बा काफी इजराइल के अंदर हो चुका है, अजरबैजान आर्मेनिया के बीच में लड़ाई हुई है और आपने देखा है कि अरामको फैसिलिटी जो सऊदी अरेबिया में थी उसके ऊपर एक स्वार्म के तौर पर, एक झुंड के तौर पे 6 ड्रोन और 11 मिसाइल्स का एक साथ हमला किया। ये चीजें हमने अभी तक नहीं देखी। हमने जो देखा है सिर्फ एक, मैं समझता हूं, टेक्नोलॉजी डेमोंस्ट्रेशन देखा है। अब जम्मू में ड्रोन अटैक होने के बाद ऐसे हमलों को रोकने का तरीका क्या है, इसे समझने से पहले देखिए कि पाकिस्तान में लश्कर और जैश आतंकियों का ड्रोन अवतार क्यों देखने को मिल रहा है। इस बात की खबर पिछले साल ही लग गई थी कि पाकिस्तान के आतंकवादी ISIS के ड्रोन ऑपरेशन को बहुत गौर से देख रहे हैं। इंडिया टीवी को मिली जानकारी के मुताबिक अप्रैल 2020 में एक पाकिस्तान के एक कोटली इलाके में हाई लेवल मीटिंग हुई जिसमें लश्कर, जैश, पाकिस्तानी आर्मी और ISI के लोग मौजूद थे। दरअसल इस मीटिंग में सेकंड लेवल बातचीत की गई। कहा गया कि ड्रोन लॉन्चिंग पैड तैयार किए जाएं, यानी लाइन ऑफ कंट्रोल और इंटरनेशनल बॉर्डर पर ड्रोन के लॉन्चिंग पैड तैयार करने के बाद इसको फ्लाई करवाया जाए, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। इसकी बड़ी वजह है आतंकियों की घुसपैठ। अब पहले जैसे आसान नहीं रह गई है, ये सस्ता ऑप्शन भी है, इसमें मशीन इस्तेमाल होती है, आतंकी के मारे जाने या पकड़े जाने का खतरा भी नहीं। पाकिस्तान बाद में ये दावा भी कर सकता है कि इसमें उसका हाथ नहीं है। DG दिलबाग सिंह के मुताबिक इस पूरे आतंकी हमले और साथ में UAV ID के पीछे लश्कर भी हो सकता है। जाहिर है भारत के लिए पाकिस्तान के बॉर्डर और LOC पर अब ड्रोन वाला खतरा तेजी से बढ़ने जा रहा है। यहां भारत के कई मिलिट्री अड्डे बॉर्डर और नियंत्रण रेखा से कुछ किलोमीटर की दूरी पर ही हैं और पाकिस्तान वहां बड़ा नुकसान पहुंचाना चाहता है। अभी तक आपने ड्रोन को लेकर 2 चीजें समझी, ड्रोन का खतरा क्या है, ड्रोन का बढ़ता इस्तेमाल क्या है, और अब देखिए ड्रोन को रोकने का उपाय क्या है। एक तरीका है हार्ड किल और दूसरा है सॉफ्ट किल। हार्ड किल यानी मिसाइल या गोली से उसे मार गिराया, सॉफ्ट किल मतलब पावरफुल इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर से उसके सिग्नल को जाम कर देना। ये दोनों तरीके समझने के लिए अब ड्रोन के ऑपरेशन को गौर से देखिए।
ड्रोन को रिमोट के जरिए कंट्रोल किया जाता है, रेडियो सिग्नल के जरिए इन्हें आदेश दिया जाता है। दूसरा तरीका है ड्रोन को पहले से प्रोग्राम किए गए रूट पर उड़ाया जाए। ये तरीका लंबी दूरी के बड़े ड्रोन पर इस्तेमाल किया जाता है। अब ऐसे ड्रोन को रोकने के लिए जरूरी है कि इनके सिस्टम और इनके सिग्नल को काबू किया जाए। इस एंटी ड्रोन तकनीक में रडार का काम अहम है ताकि उसे ट्रैक किया जा सके। इसके अलावा ऑप्टिकल और थर्मल सेंसर जो ड्रोन की गर्मी को स्क्रीन पर फ्लैश कर सकते हैं। जैमर का रोल काफी बड़ा है ताकि उसके सिग्नल को ब्रेक किया जा सके। अब इन तीन चीजों से सेना लैस है या ये उन जगहों पर तैनात हैं जहां ड्रोन अटैक का खतरा है तो ड्रोन को रोका जा सकता है। बड़े ड्रोन को जैम करने के अलावा एयर डिफेंस मिसाइल या एयर डिफेंस गन से मार गिराया जा सकता है, जबकि क्वाडकॉप्टर के सिग्नल जाम करना ज्यादा आसान है, लेकिन छोटे साइज की वजह से इसे ट्रैक करना मुश्किल होता है। क्वाडकॉप्टर और बाकी छोटे ड्रोन को रोकने के लिए भारत के पास टेक्नोलॉजी है, लेकिन ये हर जगह अभी डिप्लॉय नहीं की गई है। ऐसा ही एक एंटी ड्रोन सिस्टम पिछले साल स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले के पास किया गया था। डीआरडीओ का बनाया गया यह सिस्टम 3 किलोमीटर दूर से ड्रोन को ट्रैक कर लेता है और 2 किलोमीटर के रेंज में उसे मार गिरा सकता है। पहले यह सिस्टम ड्रोन को अपने सेंसर्स के जरिए 3 किलोमीटर के दायरे में ट्रैक करता है और फिर उसे जैम करके नीचे उतार देता है, या फिर पहले से प्रोग्राम किए हुए ड्रोन को लेजर के जरिए हार्ड किल कर देता है। तीन अलग अलग मेथड जिसमें लेजर के जरिए दुश्मन के यूएवी को लॉक कर और तुरंत उसे गिराने की क्षमता इस एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी में है। पहली बार हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं जिसमें इसी एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी के चेस्ट से दुश्मन के यूएवी को लॉक किया गया 3 किलोमीटर की रेंज में, और फिर उसके बाद जैसे ही वो 2.5 किलोमीटर पर आया उसे इसी लेजर के जरिए ध्वस्त कर दिया गया। दूसरा, उसके सेंसर्स और साथ में जो सिग्नल्स हैं उसको जैम कर और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि सभी सिग्नल्स को ब्लॉक कर ये यूएवी को दुश्मन से बिल्कुल डिस्कनेक्ट कर देगा। इसका मतलब ये है जो हैंडलर उसका उसे ऑपरेट कर रहा है उसके पास उसकी कोई भी जानकारी नहीं रहेगी, कोई भी तस्वीर नहीं देख पाएगा। इसीलिए इस एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी का कई वीवीआईपी मूवमेंट में इस्तेमाल हो चुका है। हमारी फौज के पास क्षमता है और पिछले आर्मी डे परेड के ऊपर इनका इस्तेमाल हुआ था, लेकिन आमतौर के ऊपर जो हम इनका इस्तेमाल करते हैं वो सिर्फ सर्वेलेंस के लिए करते हैं या फोटोग्राफी के लिए करते हैं। तो ऐसा नहीं कि हमारे पास है नहीं, हमारी फौजों के पास भी ये ऐसे क्वाडकॉप्टर या हेक्साकॉप्टर हैं, लेकिन उनका इस तरीके से इस्तेमाल करना अभी तक ज्यादा उसके बारे में सोच विचार नहीं हुआ है। क्वाडकॉप्टर को काबू में करने के लिए खास गन का इस्तेमाल भी किया जाता है जो ड्रोन और ड्रोन ऑपरेटर के बीच सिग्नल को जाम कर देती है, फिर ड्रोन को काबू में करके उसे वहीं लैंड करा दिया जाता है। इसके अलावा ऐसे ड्रोन को रोकने के लिए जाल वाला काउंटर अटैक भी किया जाता है। कुछ देशों में ऐसे क्वाडकॉप्टर ड्रोन को रोकने के लिए चील जैसे परिंदों का इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्हें खास इसलिए ट्रेनिंग दी जाती है कि ये सभी ड्रोन को सॉफ्ट किल करने वाले तरीके कहे जाएंगे। उन्हें खास इसीलिए ट्रेनिंग भी दी जाती है ये सभी ड्रोन को सॉफ्ट किल करने वाले तरीके कहे जाएंगे जिसमें प्रोजेक्टाइल यानी किसी गोली या मिसाइल का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। बहुत जरूरी है इस वक्त, जैसे जनरल मलिक साहब ने कहा, कि इसके लिए काउंटर मेजर्स हम फोर्स देखें, आगे बढ़ के सोचें इसके बारे में। इसके बारे में मैंने पहले दिन ही लिखा था कुछ अखबारों में भी, और जो जनरल मलिक साहब ने कहा है बिल्कुल मैं सहमत हूं उसके साथ। पहली चीज जो हमें देखना चाहिए वो है कि हम इसका आक्रामक इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। इसलिए भारत को अपनी जरूरत को समझते हुए सभी मिलिट्री अड्डों पर एंटी ड्रोन सिस्टम लगाने की जरूरत है ताकि क्वाडकॉप्टर जैसे खतरों से निपटा जा सके। जम्मू में हुए ड्रोन हमले के बाद सेना चाहेगी कि ऐसी एंटी ड्रोन तकनीक को फौरन डिप्लॉय किया जाए। इसमें खासकर वो अड्डे होंगे जो बॉर्डर और एलओसी के करीब हैं।